हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि भाई हम गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, लोअर टी शर्ट बनाना चाहते हैं, तो आप बताएं कि इस काम में कितना बच जाता है महीने का और पर पीस पे कितने रुपए बचते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि पर पीस पे कितने रुपए बचते होंगे और इस काम में हम मंथली कितने रुपए तक कमा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो लोग भी नया सेटअप स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया सेटअप लगाने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम आज की इस वीडियो में बताएंगे कि एक पीस पे हमें कितने रुपए बच जाते हैं और इसमें हम मंथली कितने रुपए तक कमा सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए, बहुत सारे लोग काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो इस काम के बारे में जानना भी चाहते हैं कि इस काम में कितने रुपए बच जाते हैं और पर पीस पे कितने रुपए बचते हैं, क्योंकि हर इंसान ऐसे पैसा फंसाना नहीं चाहता। किसी भी काम में वो पहले जानकारी लेना चाहता है कि ये काम में हमें कितने रुपए तक मंथली बच सकते हैं। ये सही भी है, पहले तहकीकात करना, मालूमात करना कि भाई इस काम में कितने रुपए तक हम कमा सकते हैं, तभी उसके बाद हम पैसा लगाएं। तो ये बात सही है और बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा भी है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको अपनी बता दूं, मैं लोअर टी शर्ट वगैरह बनाता हूँ, तो मैं देखिए 10 रुपये पे काम करता हूँ। जैसे 100 रुपये का अगर मैं आइटम बना रहा हूँ तो उस पर 10 रुपये मार्जिन में अपना रखता हूँ। 50 से 100 रुपये की रेंज तक के जो भी आइटम होते हैं उन पे 10 रुपये तक का मार्जिन हम रख के बेचते हैं। और भी मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है, वो इतना ही मार्जिन रखते हैं, 10 रुपये बहुत होते हैं, क्योंकि हम बड़े लेवल का काम करते हैं, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में माल बेचते हैं, तो 10 रुपये भी बहुत होते हैं। मान लीजिए 1000 पीस हमने बेचे तो हमें उसमें सीधे सीधे 10,000 रुपये बच जाते हैं। तो अगर 100 से 150 रुपये तक का हम आइटम बनाते हैं, जैसे थोड़ा अच्छी क्वालिटी में, तो उस पे भाई हम 15-20 रुपये का अपना मार्जिन रखते हैं। और फिर देखिए दोस्तों, महंगा आइटम बनाएंगे फिर उसके हिसाब से उस पे अपना मार्जिन भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 150 से 200 रुपये की रेंज में बना रहे हैं तो उस पे 20-25-30 रुपये तक रख सकते हैं। तो हम इतना महंगा नहीं बनाते हैं, हम वही बनाते हैं 50 रुपये से 150 रुपये तक के आइटम बनाते हैं, जिस पे हम 10 रुपये भी अपना मार्जिन रखते हैं, 12-15 रुपये 20 रुपये तक रखते हैं। ठीक है, अगर 100 से नीचे है तो मान लीजिए बड़ा ऑर्डर मिला हमें, जैसे 1000-2000 पीस का, तो उस पे हम 7-8 रुपये पे भी काम कर लेते हैं। और 100 रुपये तक का है कोई आइटम तो उस पे हम 10 रुपये तो नॉर्मली अपने रखते भी हैं, और अगर कोई सही कस्टमर मिल गया हमें तो 12-15 रुपये भी हम उस पे कमा लेते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग 5 रुपये पे भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग 10 पे भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग 15 पे भी, 20 पे भी, 25 पे भी। देखिए दोस्तों, अपनी अपनी काम की सेटिंग होती है, जिसको जिस हिसाब के कस्टमर मिल जाए उसी हिसाब से वो माल को सेल कर सकते हैं। और ये भी निर्भर करता है आप क्या क्वालिटी का आइटम बना रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी बेहतर है और फिनिशिंग अच्छी दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा दे रहे हैं, तो उस पे मार्जिन ज़्यादा भी रहता है। और ये मैं अपने यहाँ का बता रहा हूँ, मेरे यहाँ 10-15 रुपये मार्जिन रखा जाता है, तो एक पीस पे मुझे 10 या 15 रुपये तक बच जाते हैं। ठीक है, और भी लोगों को मैंने देखा है, वो भी इतने ही कमाते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं सबकी नहीं कह सकता, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि भाई 10-15 रुपये तो बहुत कम होते हैं। अरे आप काम करो, आप 20 रख सकते हो, 25 रख सकते हो, वो तो आपके काम की बात है कि आप काम किस तरीके से करते हो, आपकी लाइन क्या बनी हुई है। ठीक है, हमारी लाइन जिस तरीके से बनी हुई है, हम उस तरीके से अपना प्रॉफिट, अपना मार्जिन रखते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा भी रख सकते हो, 20 भी रख सकते हो, 25 भी रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा रखोगे कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा रखोगे तो फिर होलसेलर आपसे माल नहीं ले पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है मार्केट में। आप 20 रुपये रख के दोगे पीस पे तो दूसरा बंदा 10 रुपये रख के दे देगा, तो होलसेलर उसको पकड़ेगा, क्योंकि होलसेलर को माल चाहिए होता है सस्ता। अब आपकी मर्जी, आप जितना मार्जिन रख सकते हो। मैं देखिए, मुझसे लोग पूछते हैं कि आप कितना प्रॉफिट कमाते हो एक पीस पे, तो मैं वो बता रहा हूँ भाई, मैं तो देखिए 5 से 10-15 रुपये तक
कमा लेता हूँ एक पीस पे। अब ये होता है कि मुझे दुकानदार किस टाइप का मिला है। अगर दुकानदार सही है, रेट अच्छे दे रहा है तो ज़्यादा भी बच जाता है, और कोई होता है कम देता है रेट तो उस पर कम भी कमाना पड़ता है। फिर उसमें बल्क में ऑर्डर मिलता है, बड़ा ऑर्डर मिलता है, तो उसमें हमारा वही लेवल हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि एक महीने में हम कितने रुपए कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम नया सेटअप लगाने जा रहे हैं कि एक महीने में हम कितने रुपए कमा लेंगे इस काम में। तो देखिए दोस्तों, ये निर्भर करता है आपकी सेल के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल, आप 3,000 पीस बेच रहे हैं महीने में, अगर आप 10 रुपये उस पर अपना प्रॉफिट रख के बेच रहे हैं तो भाई महीने का आपका 30,000 रुपये हो गया। ये छोटे सेटअप के लिए, छोटा सा जो सेटअप होता है, आदमी 3-4 लाख रुपए लगा के जो छोटा सा सेटअप लगा लेता है, वो इतने बिल्कुल आराम से कमा लेगा भाई 30 से 40 हज़ार रुपये। अगर आप 3,000 पीस महीने में बेच देते हैं, तो 10 रुपये आपने अपना प्रॉफिट रखा तो 30,000 हो गए, 15 रखा तो 45,000 हो गए। ठीक है, उससे ज़्यादा रखेंगे तो फिर और बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, 10 तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर आप कम से कम 3,000 भी पीस बेचेंगे तो 30,000 रुपये मंथली आपके हो गए। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सारी कॉस्ट में निकाल के बता रहा हूँ, कारीगरी की, कटिंग की, जो भी खर्चा है सब निकाल के बता रहा हूँ। और बाकी अगर आप थोड़ा बहुत काम करेंगे उसमें, पैकिंग वगैरह या फिर थोड़ी बहुत सिलाई जानते हैं, तो उसका पैसा आपका अलग बचेगा। ये मैं वो प्रॉफिट बता रहा हूँ जो कुछ नहीं करना है आपको, कि सब कुछ कारीगर करेंगे, कटिंग मास्टर कटिंग करेगा, ये 10 रुपये तो आपको बिल्कुल अलग बचेंगे। ठीक है, और जो आप मेहनत करेंगे वो तो आपका बचेगा ही बचेगा, ये उससे अलग है, ये प्रॉफिट का होता है। ठीक है, ये जो 10 रुपये हम अपना अलग से प्रॉफिट रख के चलते हैं। तो अगर आपका छोटा सेटअप है, छोटा सेटअप लगाने जा रहे हैं, तो भाई 30-40 हज़ार रुपये आप कमा लेंगे आराम से। ये आपकी सेल पे निर्भर करता है कि आप सेल कितनी कर सकते हैं। और देखिए, 3,000 पीस बेचना कोई बड़ी बात नहीं होती है, 100 पीस डेली बेचना, तो इतने तो होलसेलर हमें मिल ही जाते हैं कि 3,000 पीस हम मंथली बेच सके। 6,000 बेचेंगे तो उसी हिसाब से 60-70 हज़ार रुपये आप कमा सकते हैं, और 9-10 हज़ार बेचेंगे तो भाई 1 लाख रुपये तक आप कमा सकते हैं महीने के। तो ये सेटअप पे निर्भर करता है कि भाई सेटअप आपका कितना बड़ा है, आप कितने पीस दिन बना सकते हैं, कितने पीस एक दिन में बेच सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग भी नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि भाई 10 से 15-20 रुपये तक हमें पीस पे बच जाते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ये काम स्टार्ट। और बाकी आप थोड़ी जानकारी और ले लीजिए, लोगों से मिलके देख लीजिए, जो लोग काम करते हैं, लोगों के कारखाने में जाके आप देख लीजिए कि वो लोग कितने कमा रहे हैं। ये मैंने अपने यहाँ का बताया, और हो सकता है लोगों के यहाँ रेट कुछ अलग हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।